हाय दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। स्पीडी रेलवे सामान्य अध्ययन बुक का पेज नंबर 23 हम लोग पढ़ेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। विश्व बैंक अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक IBRD की स्थापना ब्रेटन वुड्स समझौते के तहत दिसंबर 1945 में हुआ, जिसकी वर्तमान सदस्य संख्या 189 है। विश्व बैंक अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक IBRD की स्थापना कहाँ हुआ? ब्रेटन वुड्स समझौते के तहत दिसंबर 1945 में हुआ, जिसकी वर्तमान सदस्य संख्या 189 है। विश्व बैंक का मुख्यालय Washington DC है। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? Washington DC है। अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ IDA की स्थापना 24 सितंबर 1960 में हुई थी। IDA को विश्व बैंक की तीसरी खिड़की, रियायती ऋण देने वाली खिड़की या उदार ऋण खिड़की कहा जाता है। IDA को विश्व बैंक की तीसरी खिड़की या रियायती ऋण देने वाली खिड़की या उदार ऋण खिड़की कहा जाता है। IDA से प्राप्त ऋणों पर ब्याज नहीं देना होता है। IDA से प्राप्त ऋणों पर क्या? ब्याज नहीं देना होता है। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम IFC की स्थापना जुलाई 1956 में हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम की स्थापना कब हुई थी? जुलाई 1956 में हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के निर्णयानुसार 27 दिसंबर 1945 को हुई थी, जिसमें सदस्यों की संख्या 189 थी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना ब्रेटन वुड सम्मेलन के निर्णयानुसार 27 दिसंबर 1945 को हुई थी, जिसमें सदस्यों की संख्या 189 थी। IMF का मुख्यालय Washington DC में है। IMF का मुख्यालय कहाँ है? Washington DC में है। विश्व बैंक दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अल्पकालीन ऋण उपलब्ध कराता है। विश्व बैंक क्या है? विश्व बैंक जो है दीर्घकालिक ऋण उपलब्ध कराता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अल्पकालिक ऋण उपलब्ध कराता है। एशियाई विकास बैंक ADB की स्थापना दिसंबर 1966 में हुई, जिसका मुख्यालय फिलीपींस के मनीला में है, जिसमें सदस्यों की संख्या 67 है। एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब हुई? दिसंबर 1966 में हुई, जिसका मुख्यालय फिलीपींस के मनीला में है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO की स्थापना 11 अप्रैल 1919 में हुई। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO की स्थापना कब हुई? 11 अप्रैल 1919 में हुई। ILO का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। ILO सदस्य जिसमें 185 है, का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। ILO का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। ILO को 1969 में नोबेल पुरस्कार मिला था। ILO को कब नोबेल पुरस्कार मिला था? 1969 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार मिला था। खाद्य एवं कृषि संगठन FAO 16 अक्टूबर 1945 से अस्तित्व में आया, जिसका मुख्यालय रोम इटली में तथा सदस्य संख्या 194 है। खाद्य एवं कृषि संगठन 16 अक्टूबर 1945 से अस्तित्व में आया, जिसका मुख्यालय रोम इटली में तथा सदस्य संख्या 194 है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई, जिसका मुख्यालय जिनेवा में है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई? 7 अप्रैल 1948 को हुई, जिसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। WHO की अध्यक्ष बनने वाली भारत की एकमात्र महिला राजकुमार अमृता कौर थी। WHO की अध्यक्ष बनने वाली भारत की एकमात्र महिला राजकुमार अमृता कौर थी। यूनिसेफ एक अर्धशासित संस्था है, जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। यूनिसेफ क्या है? एक अर्धशासित संस्था है, जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। यूनिसेफ संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष यूनिसेफ की स्थापना महासभा द्वारा 1946 में की गई थी। यूनिसेफ, जिसका फुल फॉर्म होता है संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष, की स्थापना महासभा द्वारा 1946 में की गई थी। गेट GAT की स्थापना 1947 में हुई थी। गेट की स्थापना कब हुई थी? 1947 में हुई थी। 1 जनवरी 1945 से गेट GAT को WTO कहा जाता है, जिसका मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। 1 जनवरी 1995 से गेट GAT को WTO विश्व व्यापार संगठन कहा जाता है, जिसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में है, और इसमें कुल सदस्यों की संख्या 162 है। WTO
का 162वां सदस्य देश कजाकिस्तान है। WTO का 162वां सदस्य देश कौन है? कजाकिस्तान है। WTO को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख प्रहरी कहा जाता है, जिसका प्रथम मंत्रीय सम्मेलन सिंगापुर में दिसंबर 1996 में हुआ। WTO को क्या कहा जाता है? WTO को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख प्रहरी कहा जाता है, जिसका प्रथम मंत्री स्तरीय सम्मेलन सिंगापुर में दिसंबर 1996 में हुआ। यूनेस्को की स्थापना 4 नवंबर 1946 को हुई। यूनेस्को की स्थापना कब हुई? 4 नवंबर 1946 को हुई। यूनेस्को, जिसमें कुल सदस्य की संख्या 196 है, का मुख्यालय पेरिस में स्थित है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में स्थित है। राष्ट्रमंडल, जिसमें सदस्यों की संख्या 54 है, की स्थापना 1926 में हुई थी, जिसका मुख्यालय लंदन में है। राष्ट्रमंडल की स्थापना कब हुई? 1926 ईस्वी में हुई थी, जिसका मुख्यालय लंदन में है। भारत 1949 में राष्ट्रमंडल का सदस्य बना। भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य कब बना? 1949 ईस्वी में राष्ट्रमंडल का सदस्य भारत बना। अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। विश्व पर्यटन निगम WTO की स्थापना 1925 में हुई थी, जिसका मुख्यालय मैड्रिड स्पेन में स्थित है। विश्व पर्यटन निगम WTO की स्थापना 1925 में हुई थी, जिसका मुख्यालय कहाँ है? मैड्रिड स्पेन में स्थित है। यूरोपीय संघ EU की स्थापना 1957 में रोम की संधि के तहत हुई, जिसमें 28 देश शामिल है, 28 सदस्य देश हैं, ठीक है। यूरोपीय संघ की स्थापना 1957 में रोम की संधि के तहत हुई, जिसमें 28 सदस्य देश हैं। यूरोपीय संघ का 28वां देश क्रोएशिया है। यूरोपीय संघ का 28वां देश कौन है? क्रोएशिया है। EU की का मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। EU का मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। सर्वप्रथम 1 जनवरी 1999 को 11 देशों ने यूरो को आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाया। यूरो को वैधानिक मुद्रा बैंक नोट एवं सिक्के के रूप में 1 जनवरी 2002 को अपनाया गया। यूरो को वैधानिक मुद्रा बैंक नोट एवं सिक्के के रूप में 1 जनवरी 2002 को अपनाया गया। वर्तमान में यूरो 19 देशों की मुद्रा हो गई है। वर्तमान में यूरो कितने देशों की मुद्रा हो गई है? 19 देशों की मुद्रा हो गई है। यूरो अपनाने वाला 19वां देश लिथुआनिया है। सार्क दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग सम्मेलन SARC की स्थापना 7 से 8 दिसंबर 1985 में हुई थी, जिसकी सदस्य संख्या 8 है। सार्क दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग सम्मेलन AARC की स्थापना 7 से 8 दिसंबर 1985 में हुई थी, जिसकी सदस्य संख्या 8 है। सार्क का मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू नेपाल में है। सार्क SAARC का प्रथम शिखर सम्मेलन अध्यक्ष HM इरशाद थे, 1985 में ईस्वी में ढाका बांग्लादेश में हुआ था। सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? 1985 ईस्वी में ढाका बांग्लादेश में हुआ था। सार्क के 8 सदस्य देश हैं, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव एवं अफगानिस्तान। सार्क के कितने सदस्य देश हैं? 8 सदस्य देश हैं। कौन कौन? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव एवं अफगानिस्तान। भारत में प्रथम सार्क सम्मेलन नई दिल्ली के में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की अध्यक्षता में नवंबर 1986 में हुई थी। रेड क्रॉस ICRC की स्थापना 1863 ईस्वी में हेनरी ड्यूरांट द्वारा किया गया। रेड क्रॉस का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। रेड क्रॉस को 3 बार 1917, 1944 तथा 1963 ईस्वी नोबेल शांति पुरस्कार मिला। में 1944 में तथा 1963 ईस्वी में नोबेल शांति पुरस्कार मिला। रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? 8 मई को मनाया जाता है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का गठन लंदन में पीटर बेंसन द्वारा 28 मई 1961 में किया गया।
एमनेस्टी इंटरनेशनल का गठन लंदन में पीटर बेंसन 28 मई 1961 ईस्वी में किया गया। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय लंदन में है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? लंदन में है। एमनेस्टी इंटरनेशनल मानवाधिकारों के हनन की जांच करता है, जिसे सन 1977 में शांति का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। एमनेस्टी इंटरनेशनल मानवाधिकारों के हनन की जाँच करता है, जिसे सन 1977 ईस्वी में शांति का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। इंटरपोल अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन की स्थापना 1923 में हुई थी। इंटरपोल अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1923 में हुई थी। इंटरपोल का मुख्यालय लियांस फ्रांस में है। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? लियांस फ्रांस में है। गुट निरपेक्ष आंदोलन NAM की स्थापना 25 देशों द्वारा 1961 में बेलग्रेड में हुई थी। गुट निरपेक्ष आंदोलन NAM की स्थापना 25 देशों द्वारा 1961 में बेलग्रेड में हुई थी। NAM नाम सदस्य संख्या जिसमें है, जिसमें सदस्यों की संख्या 120 है, का पहला शिखर सम्मेलन 1961 ईस्वी में बेलग्रेड में हुआ था। NAM का पहला शिखर सम्मेलन 1961 ईस्वी में बेलग्रेड में हुआ था। NAM की संस्थापक एवं प्रणेता पंडित जवाहरलाल नेहरू, नासिर तथा मार्शल टिटो थे। NAM के संस्थापक एवं प्रणेता पंडित जवाहरलाल नेहरू, नासिर तथा मार्शल टिटो थे। NAM का सचिवालय काठमांडू नेपाल में है। NAM का सचिवालय कहाँ है? काठमांडू नेपाल में है। अरब लीग अरब राष्ट्रों का संघ की स्थापना 22 मार्च 1945 में हुई, जिसका मुख्यालय काहिरा मिस्र तथा सदस्य संख्या 22 है। अरब लीग अरब राष्ट्रों का संघ की स्थापना 22 मार्च 1945 में हुई, जिसका मुख्यालय काहिरा मिस्र तथा सदस्य संख्या 22 है। CTBT की स्थापना 19 नवंबर 1996 को हुई। CTBT की स्थापना कब हुई? 19 नवंबर 1996 को हुई। ओपेक की स्थापना 14 नवंबर 1960 को बगदाद में हुई थी, जिसका मुख्यालय वियना ऑस्ट्रेलिया तथा सदस्य संख्या 12 है। ओपेक की स्थापना कब हुआ? 14 नवंबर 1960 को बगदाद में हुई थी, जिसका मुख्यालय वियना जो ऑस्ट्रिया में है तथा सदस्यों की संख्या 12 है। नाटो NATO की स्थापना 12 देशों द्वारा 4 अप्रैल 1949 ईस्वी को हुई थी। नाटो की स्थापना कब हुई थी? 12 देशों द्वारा 4 अप्रैल 1949 ईस्वी को हुई थी। नाटो उत्तर अटलांटिक समझौता संगठन का मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। नाटो उत्तर अटलांटिक समझौता संगठन का मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। नाटो के सदस्य देशों की संख्या 28 है। नाटो के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 28 है। आसियान का गठन 8 अगस्त 1967 को हुआ, जिसका मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया तथा सदस्य देशों की संख्या 10 है। आसियान का गठन कब हुआ? आसियान का गठन 8 अगस्त 1967 को हुआ, जिसका मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया तथा सदस्य देशों की संख्या 10 है। एपेक की स्थापना नवंबर 1989 में हुई थी। एपेक की स्थापना कब हुई थी? नवंबर 1989 में हुई थी, जिसका मुख्यालय सिंगापुर तथा सदस्य 21 है, जिसमें सदस्यों की संख्या 21 है। एपेक की स्थापना नवंबर 1989 में हुई थी, जिसका मुख्यालय सिंगापुर तथा सदस्यों की संख्या 21 है। नाफ्टा NAFTA की स्थापना 1992 में हुई। नाफ्टा की स्थापना कब हुई? 1992 में हुई। यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ IFTA की स्थापना स्कॉट होम में 3 मई 1960 को ही। यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ IFTA की स्थापना कब हुई? स्कॉट होम में 3 मई 1960 को ही। G8 आठवां सदस्य रूस की स्थापना 1975 ईस्वी को न्यूयॉर्क में की गई थी, जिसका पहला शिखर सम्मेलन फ्रांस में पेरिस के निकट रंबो निलेट में नवंबर 1975 में हुआ था। G8 आठवां सदस्य रूस है, जिसमें की स्थापना 1975 ईस्वी को न्यूयॉर्क में की गई, जिसका पहला शिखर सम्मेलन फ्रांस में पेरिस के निकट रंबो निलेट में नवंबर 1975 में हुआ था। डेवलपिंग एट का गठन जून 1997 को इस्तांबुल में किया गया था। G15 की स्थापना सितंबर 1989 में हुई थी। G15 की स्थापना कब हुई थी? 1989 सितंबर 1989 में हुई थी। G15 का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। G15 की मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में स्थित है। G20 की स्थापना दिसंबर 1999 में बर्लिन में
प्रथम बैठक वाशिंगटन 2008 में हुई थी। G20 की स्थापना कब हुई? दिसंबर 1999 में बर्लिन में हुई थी। और G20 की प्रथम बैठक जो है वाशिंगटन में 2008 में हुई थी। G20 वस्तुतः सदस्य देशों के वित्तीय मंत्रियों व केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की वार्षिक बैठक है। G20 क्या है? वस्तुतः सदस्य देशों के वित्तीय मंत्रियों व केंद्रीय बैंक के गवर्नरों के वार्षिक बैठक है। अंकटाड की स्थापना UNCTAD की स्थापना जो है 1964 में हुई थी, जिसके प्रतिपादन का श्रेय डॉक्टर राउल प्रेबिस को है तथा मुख्यालय जेनेवा में है। अंकटाड की स्थापना कब हुई? 1964 में हुई थी, जिसके प्रतिपादन का श्रेय डॉक्टर राउल प्रेबिस को है तथा मुख्यालय जेनेवा में है। इब्सा की स्थापना 2003 में की गई, जिसके सदस्य देशों की संख्या जो है भारत, बेल्जियम, ब्राज़ील एवं दक्षिण अफ्रीका है। इब्सा की स्थापना कब हुई? 2003 में की गई, जिसके सदस्य देश हैं भारत, ब्राज़ील एवं दक्षिण अफ्रीका। आर्थिक संगठन ब्रिक्स की स्थापना 2009 में एकातेरिनबर्ग रूस में की गई, जिसके वर्तमान 5 सदस्य हैं ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन एवं दक्षिण अफ्रीका। जिसके वर्तमान 5 सदस्य कौन कौन है? ब्राज़ील है, रूस है, भारत है, चीन है एवं दक्षिण अफ्रीका है। हिम्मत 6 पूर्व नाम M7 की स्थापना 5 मार्च 1997 को पोर्ट लुई मॉरिशस में हुई थी। हिम्मत 6 पूर्व नाम M7 की स्थापना 5 मार्च 1997 को पोर्ट लुई मॉरिशस में हुई थी। संघाई पाँच जो है रूस, चीन, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान एवं कर्गिस्तान का समूह है, जिसका पहला शिखर सम्मेलन 1966 में संघाई में हुआ था। संघाई फाइव क्या है? रूस, चीन, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान एवं किर्गिस्तान का समूह है, जिसका पहला शिखर सम्मेलन 1966 में संघाई में हुआ था। जून 2001 में 6ठे राष्ट्र उज्बेकिस्तान के शामिल होने से अब यह संघाई 6 हो गया है। जून 2001 में 6ठे राष्ट्र उज्बेकिस्तान के शामिल होने से अब यह संघाई 6 हो गया है। कोलंबो योजना का प्रारंभ 1950 से हुआ। कोलंबो योजना का प्रारंभ कब हुआ? 1950 से हुआ, जिसका सचिवालय कोलंबो श्रीलंका में है। जिसका सचिवालय कहाँ है? कोलंबो श्रीलंका में है। मार्को सूरी जनवरी 1994 को प्रभावी हुई। मार्को सूरी जनवरी 1994 को प्रभावी हुई थी। इस्लामिक सम्मेलन संगठन OIC की स्थापना मई 1971 में हुई, जिसका मुख्यालय जेद्दा सऊदी अरब तथा सदस्य 57 है। इस्लामिक सम्मेलन संगठन OIC की स्थापना कब हुई? मई 1971 में हुई, जिसका मुख्यालय जेद्दा सऊदी अरब तथा सदस्य 57 है। बेल्जियम, नीदरलैंड तथा लग्जेमबर्ग का व्यापारिक संघ बनेलक्स की स्थापना 1948 में हुई थी, जिसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। बेल्जियम, नीदरलैंड तथा लग्जेमबर्ग का व्यापारिक संघ बनेलक्स की स्थापना 1948 में हुई थी, जिसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। गुआम का गठन मई 2006 में हुआ। गुआम का गठन कब हुआ? मई 2006 में हुआ। तो आपका पेज नंबर 23 जो था कंप्लीट हुआ, और इससे आगे का वीडियो हम लोग पेज नंबर 24 जो है अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।